सजनों, ये सालम देश के थे राजा धूमत सेन। रानी का नाम था सभ्या। राजा रानी उम्र से बुढ़े थे। राजघरों में नौकर चाकर धन दौलत कोई किसी प्रकार की कमी नहीं थी, लेकिन सबसे मोटी कमी थी ये संतानहीन थे, इनके कोई औलाद नहीं थी। जब राजा रानी का बुढ़ापा आ जाता तो सबसे पुराना एक नौकर था जिसका नाम था चोड़ा राय। उस नौकर को राजघराणों की तय खजानों की चाबी सौंप दी कि भाई हमारे मरने के बाद में इस राजकाज को सुरक्षित तू संभालेगा, लेकिन पूर्व जन्म का किया हुआ पुण्य इंसान को दूसरे जन्म में भी काम आ जाता है। राजा रानी के बुढ़ापे में एक संतान हो जाती है उसके जन्म नक्षत्रों से। ब्राह्मण उसका सत्यवान नाम रख देते हैं। नौकरों के मन में बेईमानी पैदा हो गई कि भाई इनके घर में राज करने वाला जन्म ले चुका, कुछ दिन बाद में अपनी यहाँ पर कदर नहीं रहेगी। तो सब नौकरों ने अलग यह मीटिंग तय कर ली कि राजा रानी और इनके जन्म लेने वाली संतान तीनों प्राणियों को मार करके महल में दबा दो, इस राज के ऊपर कब्जा कर लो। कुछ लोग उनमें से दयालु भी थे, ओले छाना राजा का पहुंच गया, जाकर कहने लगे, बोले महाराज हमने तेरा नमक खाया है, हम तेरे को एक रास्ता बताने के लिए आए हैं, क्यों तेरे विश्वासी पात्रों ने तेरे को मारने का घात विचार लिया। तो राजा रानी अपनी संतान को लेकर के महल की सुरंग द्वारा वहां से तीनों प्राणी निकल जाते हैं राजघराना छोड़ करके। बियाबान जंगल में भटकते भटकते सत्यवान के माँ बाप अंधे भी हो जाते हैं कि भाई हमारा पुत्र एक राजघराणों में राज करने वाला जो पशु पक्षी की तरह बियाबान जंगल में भटकने का क्या काम। लेकिन बताया कभी नहीं कि भाई समय समय का फेर है, समय समय की बात, कोई समय में दिन बढ़ेरे कोई समय में रात। तो अपने माँ बापों की आज्ञा लेकर सत्यवान नाम का जो बालक था पास में एक छोटा सा ग्राम था उस गांव में चला जाता है। एक सेठ जी से जाकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा कि लाला जी मैं गरीब अनाथ बालक हूँ, वैसे राजा की संतान हूँ लेकिन भिखा पड़ गया, मेरे अंधे माँ बाप भूखे प्यासे इस बियाबान जंगल में बैठे, उनका पेट गुजारा करने का मैंने एक रास्ता सोचा है, अगर तेरी मेहरबानी हो जाए तो मेरे राजघराणों की पोशाक इसको तू गिरवे रख ले और मेरे को एक रस्सी कुल्हाड़ा दे दे ताकि मैं मेरे अंधे माँ बापों का पेट गुजारा कर सकूं। तो उस सेठ जी से सत्यवान हाथ जोड़ करके अपने बीते हाल सारे बताने लग जाता है। आदमी गरीब लाला दया कर दिए, टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। आदमी गरीब लाला दया कर दिए, टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। आदमी गरीब लाला दया कर दिए, टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। आदमी गरीब लाला दया कर दिए, टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। कदे हमें राजा थे भोपाल, आज हो लिए बिन पैसे कंगाल। ओ आज हो लिए बिन पैसे कंगाल, थे नौ करोड़ के लाल सब मिट्टी में गिर लिए। टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। किस्मत मारे की सबने गरज पेट भाड़े की, ओ सबने गरज पेट भाड़े की, एक रस्सी और कुलाड़े की तो हाँ भी भर लिए। टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। गरीब लाला कर दिए, टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। आदमी गरीब लाला दया कर दिए, टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। बैरिज बिन होती भोजन नहीं, खेती बिन निपज बीज नहीं, ओ खेती बिन निपजर बीज नहीं,
चंद्र सतगुरु जैसी चीज नहीं दुनिया में मिली है। टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवेदर जब अपने बीते हाल सारे बता दिए उस राजकुमार की बात सुनकर के लाला जी का दया उत्पन्न हो जाती। तुरंत उसके राजघरणों की पोशाक उतरवा करके गिरवे रख ली, एक रस्सी कुलाड़ा दे दिया। बताया कवि ने कि भाई गहने वस्त्र धर दिए, लिया डोरी कुलाड़ा हाथ, लकड़ी काटने चल दिया भज जगतपति रघुनाथ। उस परम पिता परमेश्वर का नाम लेकर के जंगल की तरफ लकड़ी काटने के लिए रवाना हो जाता है। जंगल में पूछा चीते शेर वगैरह बोल रहे, उनको देख करके छाती बजर की कर ली, भाई मेरा काल हो तो तुम और मेरे भाई बंद हो तो तुम। तो बताया कभी ने श्री सत्यवान माँ बापा के दुख बांटण वाले हो गए, राजकरणिया बालक लकड़ी काटण वाले हो गए, राजकरणिया बालक लकड़ी काटण वाले हो गए। श्री सत्यवान माँ बापा के दुख बांटण वाले हो गए, राजकरणिया बालक लकड़ी काटण वाले हो गए, राजकरणिया बालक लकड़ी काटण वाले हो गए। ओ जी काटण वाले हो गए, लकड़ी काटण वाले हो गए, राजकरणिया बालक लकड़ी काटण वाले हो गए, राजकरणिया बालक लकड़ी काटण वाले। कदे कदे तो राजभवन में चल था सज धज के, लकड़ी काटण वाला बन गया ऐस कुमीरी तज के, अब लकड़ी काटण वाला बन गया ऐस कुमीरी तज के, कपड़े लते फाट गए झड़ा में उलझ उलझ के, बियाबान में करूं गुजारा नाम ओम का बज के, ओ बियाबान में करूं गुजारा नाम ओम साथ मरण की। हाँ भरते वो नाटण वाले हो गए, राजकरणिया बालक लकड़ी काटण वाले हो गए, राजकरणिया बालक लकड़ी काटण वाले हो गए। दुश्मन भी प्यारे हो जा, बिगड़ी हवा में माँ के जाए भाई न्यारे हो जा, बिगड़ी हवा में माँ के जाए भाई न्यारे हो जा। कोई भी ना पास बिठण दे शत्रु सारे हो जा, विपत पड़ी में राजकरणिया लकड़हारे हो जा, पड़ी में राजकरणिया लकड़े हारे हो जा। दिल रहनिए आज भगत पर नाटण वाले हो गए, राजकरणिया बालक लकड़ी काटण वाले हो गए, राजकरणिया बालक लकड़ी काटण वाले हो गए। श्री सत्यवान माँ बापा के दुखी काटण वाले लकड़ी काटण वाले हो गए, ओ लकड़ी काटण वाले।
बताया कि भाई बनी हवा में मानस के दुश्मन भी प्यारे हो जा और बिगड़ी हवा में माँ के जाए भाई भी न्यारे हो जा। उधर एक मगध देश का राजा था, अश्वपति नाम था। राजा अश्वपति भी संतानहीन था, तो संतान की उत्पत्ति के लिए राजा यज्ञ हवन पुन दान धर्म बहुत करवाता है। लेकिन गायत्री मंत्रों के द्वारा राजा के घर में एक लड़की उत्पन्न होती है। उसके जन्म नक्षत्र से ब्राह्मण उसका सावित्री नाम रख देते हैं। चंद्रमा की तरह रूप था, सूर्य की तरह तेज था। राजा अश्वपति अपनी पुत्री को देख करके नौकरों को हुक्म दे देता है कि भाई जैसी सुंदर मेरी बेटी है वैसा सुंदर रूपवान तुम इसका पति ढूंढ कराओ, इसकी शादी भी तुरंत कर देनी है। तो नौकर सावित्री का पति ढूंढने के लिए भरतखंड में निकल जाते हैं। पूरे भरतखंड में भ्रमण किया नौकरों ने, लेकिन सावित्री जैसा सुंदर रूपवान कोई पति नजर नहीं आया। तो राजा अश्वपति को आकर के नौकरों ने ना का जवाब दे दिया कि महाराज आपकी पुत्री जैसा सुंदर इसका पति भरतखंड में नहीं मिल सकता है। तो नौकरों के जवाब को सुनकर के राजा अश्वपति और भी दुखी हो जाता है। भगवान अगर मेरी बेटी जैसा सुंदर पति इसका नहीं मिला तो तने बेटिया दी ना दी बराबर कर दी। सावित्री अपने बाप राजा अश्वपति को दुखी देखती है तो बाप का दुख सहन कर नहीं सकी। तुरंत सावित्री ओढ़न पहन खान पीन की सामग्री लेकर के रथ जोड़ करके रथ में बैठ करके अपना पति ढूंढने के लिए खुद रवाना हो जाती। जब भरतखंड में चक्कर लगाना शुरू कर दिया, भरतखंड में सावित्री को अपना पति नजर नहीं आया, तो बियाबान जंगलों में चक्कर लगाना शुरू कर देती है। उसी बियाबान जंगल में सावित्री चली जाती है जिस जंगल में सत्यवान लकड़ी काट रहा था। अब कुल्हाड़ी की आवाज सुनकर के सावित्री पेड़ की तरफ रवाना हो जाती है। जैसे जैसे पेड़ के नजदीक में पहुंची वृक्ष में भान सा उदय हो रहा था। सावित्री पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई, कहने लगी लकड़ी काटने वाले पेड़ से नीचे आ जा, दो बात करना चाहती हूँ। सत्यवान मन में सोची भाई तेरी किस्मत करवट पलट गई, जब तो तेरा राज घराना छूट गया और यह आफत तेरी गैल लाग रही तन लकड़ी काटवा से भी खोएगी। लेकिन सावित्री कहने लगी लकड़ा अरे मैं भूतनी प्रेतनी ठिगनी दूतनी कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पति की तलाश में थी, आज तू मुझे मेरा पति मिल चुका है, मेरी आत्मा में मैत्र को पति कायम कर चुकी। तो सावित्री कहने लगी मैं तेरे चरणों की दासी बनकर रहूंगी। अरे पेड़ से नीचे आ जा तेरे चरणों की दासी, वरदे मांग मैं सिंदूर तेरे दर्शन की दासी, वरदे मांग मैं सिंदूर तेरे दर्शन की दासी। और पेड़ से नीचे आ जा तेरे चरणों की दासी रे, वरदे मांग मैं सिंदूर तेरे दर्शन की दासी। हृदय मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी। कौन कड़े की रहने वाली बता कहाँ घर ग्राम तेरा, कौन कहाँ की रहने वाली बता किते घर ग्राम तेरा, बियाबान बन खंड में डोलन कर एकली का के काम तेरा, बियाबान बन खंड में डोलन का एकली का के काम तेरा। उदय हो गया भान चंदा पूरण वासी, वरद मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की जासी, वरद मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की जासी। जासी ग्राम घर छोड़ दिया मैं बियाबान में आई हूँ, ग्राम घर छोड़ दिया मैं बियाबान में आई हूँ, मगध देश की रहने वाली अश्वपति की जाई हूँ, मगध देश में रहने वाली अश्वपति की जाई हूँ। तेरी मेरी दोनों की मिल गई रे राशी, वरदे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की जासी, वरदे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की जासी। दर्शन की प्यासी रे तेरे दर्शन की प्यासी, वरदे मांग में सिंदूर।
जाम सलोनी मृग नैनी या रूप की जड़ी जाम सलोनी मृग नैनी या रूप की जड़ी डेरा ना किस फुर्सत में बे माता ने गड़ी ओ डेरा ना के फुर्सत में बे माता ने बहादुर सिंह का सरना ले गुण नाथू सिंह गासी वरद मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की जासी वरद मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की जासी दर्शन ओ दर्शन की जासी सावित्री राजा मगध देश अश्वपति की पुत्री अपनी जबान से बताती है तो सत्यवान बड़ा ताज्जुब करके कहने लगा सावित्री तू मगध देश राजा अश्वपति की बेटी एक राजघरों में रहने वाली मैं एक निर्धन कंगाल आदमी ये तेरा मेरा जोड़ा नहीं मिल सकता है। पीतल सोना एक रंग होता है लेकिन कीमत में बहुत फर्क होता है जैसे कागा कोयल एक रंग होता है लेकिन वाणी में बहुत फर्क होता है उतना फर्क तेरे और मेरे अंदर मौजूद है इसलिए मेरे साथ में तेरा शादी करना ठीक बात नहीं क्यों इस बियाबान जंगल में रहने के लिए झोपड़ी नहीं खाने के लिए अन्न नहीं पहनने के लिए कपड़े नहीं पीने के लिए टाइम पर पानी भी नहीं है तो सावित्री कहने लगी जति पुरुष की जगत में तो होती है एक नार पतिव्रता भी जन्म में तो चुनती एक भरतार कहने लगी लकड़ा रे जति पुरुष होता है उसके संसार में एक स्त्री होती है और पतिव्रता स्त्री होती है वो जन्म लेकर एक ही पति चुनती है मैं पति तेरे को मान चुकी अब तेरे को छोड़कर दूसरे के साथ में शादी करती हूँ तो मेरा सतीत्व जो सती का धर्म होता है वो नष्ट होता है इसलिए झोपड़ी को रंग महल समझ लूंगी फटा बस्तर में रह लूंगी भूख प्यास सब सहन कर लूंगी और बनती माओगी उतनी पति चरणों की सेवा भी कर लूंगी तो सत्यवान कहने लगा अरे सावित्री तेरी बात का तो मने आता घना प्रेम पिता मात के कहे बिना तो नहीं शादी करने का नेम जब सत्यवान करने लगा सावित्री तेरी बातों से मुझे बहुत प्रेम है लेकिन माता पिता की आज्ञा लिए बगैर मैं तेरे को कोई जवाब नहीं दे सकता तो दोनों जति सती अपने माँ बापों की आज्ञा लेने के लिए रवाना हो जाते हैं। भाई जति सती दोनों चले तो धर ईश्वर का ध्यान सावित्री के साथ में चल पड़े रे वीर सत्यवान अब सावित्री कहने लगी तो सासू समझ सम्मान सभ्या रानी सोचती तो सावित्री को सत्यवान दोनों जति सत्य अपने माँ बाप शरण में चले जाते सावित्री जाकर अपने सासू के चरण छूकर बहु बनने का आशीर्वाद मांगती लेकिन सत्यवान की जो माता सभ्या रानी थी वो नेत्रहीन थी आंखों से अंधी थी वो विचार करती कि भाई जब तेरे बेटे सत्यवान की सगाई नहीं हुई तो ये बहु कहां से आ गई होन हो तेरा बेटा सत्यवान हो सकता है तो सभ्या रानी सावित्री को अपना बेटा सत्यवान समझ करके पुकारती है उधर से सावित्री चरण छूकर बहू बनने का आशीर्वाद मांगती है दोनों सासू बहु बातें करने लग जाती हैं। तब सभ्या रानी कहने लगी रे आ बेटे सत्यवान तेरे से होती आनंद आत्मा मेरी सावित्री कहने लगी रे सासू दे वरदान सावित्री बहू बने से तेरी अरे आ बेटे सत्यवान तेरे से हो आनंद आत्मा मेरी सासू दे वरदान सावित्री बहू बने से सासुदर बरदान सावित्री बहु बने से तेरी ओ बेटे सत्यवान तेरे से हुई अनन्य आत्मा मेरी सासुदर बरदान सावित्री बहु बने से तेरी सासुदर बरदान सावित्री बहु
बन से तेरी सासु दे वरदान सब तेरी बहु बन से तेरी सासु दे वरदान सब तेरी सत्यवान के बहु कहां से हुई सगाई कोना मन भी सासु अब तक तो शादी करवाई कोना और मन भी सासु अब तक तो शादी करवाई कोना उनसे हो गया खोट बाप ने बेटी जाही कोना जोई खोट मेरी जोड़ी कर मन बिया दिखाई कोना और योई खोट मेरी जोड़ी का मन दिया रे दिखाई कोना के भरत खंड में सिंगर है ना तू सिंगनी नसीहत देरी सासु दे वरदान सब तेरी बहु बने से तेरी ओ सासु दे वरदान सब तेरी बहु रानी कहने लगी मेरे सत्यवान के बहु कहां से जब हुई सगाई कोन्या सावित्री कहने लगी रे मने भी सासु बितलक शादी करवाई कोन्या तो पूछने लगी भाई कहां की रहने वाली क्या तेरा नाम किस प्रकार तू त्रिया की जात अकेली इस बियाबान जंगल में भटकती है मेरे पुत्र सत्यवान को तू पति बनाने आई है तो पूछने लगी भाई कौन करे की रहने वाली कैसे नाम बाप का मगध देश का अश्वपति जो समधि बनता आपका और मगध देश का अश्वपति जो समधि बनता आपका कद झूठ बोल कर दाग लगद मेरा छोरा बटी खाप का मैं झूठ बोलती कोन्या राम देखनी आपने पाप का मैं झूठ बोलती कोन्या राम मेरी साफ आत्मा है सासु मेरे याद न हेरा फेरी सासु दे वरदान सब तेरी बहु बने से तेरी सासु दे वरदान सब तेरी बहु बने से तेरी तेरी ओ रानी पूछने लगी कौन कठे की रहने वाली के है नाम बाप का सावित्री कहने लगी मगध देश का अश्वपति जो समधि बनता आपका जब सब्या रानी कहने लगी कदे झूठ बोल कर दाग लगा दे मेरा छोरा बड़ी खाप का मैं झूठ बोलती कोना राम देखनी अपन और पाप का जब सावित्री सब्या रानी को अपना सही पता बता देती है राजा मगध देश अश्वपति की पुत्री अपनी जबान से बताती है सब्या रानी बड़ा ताजुब करके कहने लगी कि सावित्री तू मगध देश राजा अश्वपति की बेटी होकर एक मेरे निर्धन सत्यवान के साथ में शादी करती है जिंदगी भर तक दुख भोगना पड़ेगा तो कहने लगी मेरे सत्यवान के गल लाडली बहुत बुरे फंदे कदे लाभ कदे हानि सासु ये दुनिया के धंधे और कदे लाभ कदे हानि रे सासु ये दुनिया के धंधे सत्यवान लगकर हारा मात पिता भी अंधे कोड़ी बाप से न हटा करे जो शुद्ध बचना के बंदे और होड़ी बाप से न हटा करे से शुद्ध बचना के बंदे सोच समझ कर ब्याह करिए कदे हो जा डूबा डेरी सासु दे